मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, 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 निज नामों का मंत्र बता 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 दीजिए, सेवक की व्यथा सब हर लो लाडली भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास महाराज की जय। प्रिय कांजू सरकार की जय। निम्बार्क भगवान की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना।
अब जो जहां है वहीं विराज जाएं, और पीछे जो कार्यकर्ता गण हैं, जो भी कोई स्रोत आते जाएं, उनको कहें कि उचित स्थान पर बिना बात किए आप जाकर बैठ जाइए। श्रीमद् भागवत चार अक्षर हैं, भागवत, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तरुण उद्धार, तत्काल मोक्ष मुक्ति, संकल्प की पूर्ति। इसका मतलब आप सबको समझना है। आजकल लोगों की काफी शिकायतें होने लगी हैं धर्म से, भगवान से। अच्छे कामों में से शिकायतें हैं, बुरे कामों से प्यार होता जा रहा है। ये मुश्किल बात है, आपको और हमको सबको समझना होगा। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव यह है, आप अपने ही मन से पूछ लो और किसी के विषय में ज्यादा डिस्कस करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने ही मन से पूछ लो, भजन में ज्यादा मन लगता है कि मोबाइल में? किसी से मत पूछो। अब मोबाइल तारेगा कि भजन तारेगा? जोर से बोलिए, मन किस में लगा है? आज का व्यक्ति जितना टाइम मोबाइल को देता है, उतना टाइम अगर वो अपने माँ बाप को दे दे, उतना टाइम अगर वो अपने भगवान को दे दे, तो सहज में ही कल्याण हो जाए। इवन मेरे अभी एक जानकारी मुझे प्राप्त हुई, मैं उनके परिवार के विषय में डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, तो वो सॉरी उनके लिए, वो क्षमा कर देंगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पहचान शहर भी नहीं बता रहा हूं, इसलिए पहचान। पति पत्नी का अलगाव इसलिए हो गया, तलाक इसलिए हो गया, क्योंकि पति मोबाइल में ज्यादा बिजी रहता है और पत्नी को टाइम नहीं देता, इसलिए वो दोनों अलग हो गए। होंगे नहीं, हो गए। जब तक ये यूज करने का विषय था तब तक ठीक था, लेकिन जब ये मुझे यूज करने लग गया तो प्रॉब्लम हो गई। आज मोबाइल को जीव यूज नहीं कर रहा है, सच ये है, आज मोबाइल जीव को यूज कर रहा है। हाँ जी कि ना जी? व्यक्ति सब के बगैर जा सकता है, गाड़ी के बगैर भी जा सकता है, मोबाइल के बगैर स्टेप नहीं बढ़ाने वाला। ये एक कदम लौट रह जाए घर में, मोबाइल ट्रेन छोड़ देगा लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ेगा। एम आई राइट या रॉन्ग? आई नो आई एम राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये यूज है, सबको करना है आपको, लेकिन मैं मनस्थिति बता रहा हूं कि हम लोगों की मन की स्थिति यह है कि हम दूसरे के विषय में तो बहुत जल्दी टिप्पणी कर देते, अपने विषय में क्यों नहीं सोचते हम? आप अपने विषय में सोचिए। और हमारा विषय यह है कि हमारा खुद का भी मन अच्छाई में कम लगता है, बुराई में ज्यादा लगता है। यह हमारे मन की स्थिति है, ये कथा सुनने वालों की मन की स्थिति है, कथा कहने वालों की मन की स्थिति है। ये कलयुग का प्रभाव है। इस कलयुग के प्रभाव से अगर बचा जाए तो ठाकुर कृपा करे तभी संभव है, उससे पहले संभव नहीं। गोविंद कृपा करे तो बचा जा सकता है, असंभव कुछ भी नहीं। लेकिन मैं इतना तो कहूंगा, आप सबके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप यहां कथा पंडाल में बैठे हो, दुनिया का सब छोड़ छाड़ के, चाहे 3 घंटे ही बैठो, 2 घंटे ही बैठो, लेकिन दुनिया तो छोड़ के आई हो। और यह समय भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस समय को हम लोग सदुपयोग करें। भागवत का प्रथम श्लोक हम और आप सब उच्चारण करेंगे, तो क्या करना होगा आपको पता ही है। भागवत का प्रथम श्लोक आप सभी मेरे साथ उच्चारण करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सच्चिदानंद रूपाय
विशोदपत्यादि हेतवे विशोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः 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 सत चित आनंद सच्चिदानंद के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। सभी उनको प्रणाम करें। ये भगवत ये भगवान का स्वरूप का वर्णन है। भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान हमारे जैसे तुम्हारे जैसे नहीं है। जिनका चित्त जिनके बस में रहता है, आनंद को भी जिनकी तलाश रहती है, और जो हमेशा सत्य स्वरूप है, सत्य वही है जो कभी मिटता नहीं है। हम और आप सत्य नहीं है, हम थे नहीं, हम रहेंगे नहीं, हम सिर्फ हैं, और वो भी कब तक हैं कोई नहीं जानता। जानता है क्या? पुणे में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं कि नहीं है? क्या पुणे में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हमें बचा लेने की गारंटी दे सकते? बता सकते मैं कितने साल रहूंगा? पेपर पे लिख सकते? हम सत्य नहीं है, हम नश्वर हैं। पंच तत्वों से निर्मित हमारा यह शरीर एक दिन पंच तत्वों में विलीन होगा, लेकिन परमात्मा नित्य है, अखंड है, अहर निष्पल पल घटघटवासी है। कहां नहीं है वो? हर जगह मौजूद है, हर जगह व्याप्त है। वो यहां भी है, वो आपके घर में भी है, वो एवरी इज एवरीवेयर। कहां नहीं है? कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वो नहीं है। तो ऐसे सतचित आनंद घन सच्चिदानंद के चरणों में कोटि कोटि नमन, जो सृष्टि का रचेता है, पालन करता है, संहार करता है, दैहिक दैविक भौतिक इंद्रतापों को जन्म देने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला है। और जो इनकी शरण में आ जाए तीनों तापों से बच जाता है। आपको एक बात बताते हैं, जब भी व्यक्ति छोटी छोटी प्रॉब्लम में पड़ता है ना, तो ये अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है, और जब बड़ी मुसीबत में पड़ता है तब फ्रेंड को कॉल नहीं करता है वो। फिर किसकी याद आती है जरा कृपा करके बताइए? किसकी? कौन आते हैं फिर? जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के समय में श्याम मेरे काम आते हैं। जब कोई नहीं आता उस वक्त, जब अच्छा मुझे भी पता होता है, एक्चुअली जीव को सब पता है कि कौन व्यक्ति किस मुसीबत में काम आ सकता है। छोटी छोटी में बोले ये छोटे लोग काम आ जाएंगे, और बड़ी में बोले अब इनसे काम होने वाला नहीं। वैसे जीव नादान भी है, इतना नादान है जो हमेशा काम आ सकता है उससे हमेशा जुड़ के क्यों नहीं रहते? सिर्फ स्वार्थ के समय उसके पास जाएं और सिर्फ स्वार्थ के समय उससे कहें कि आई एम योर्स, मैं आपका हूं, तो वो समझ जाएगा माय डियर आई नो कि तुम कैसे हो, आज तुमको मेरी जरूरत है तो तुम मेरे बन गए, और वरना इससे पहले तुम्हारा बचपन कहां गया, तुम्हारा जवानी कहां गई, कहां किसके साथ बैठ के चौपर खेले, किसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, किसके साथ पार्टियां करते थे। मंदिर के लिए तो कह देते थे मन में भगवान बैठा है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है। आजकल के लोग ऐसा कहते हैं, मन में मंदिर है, भगवान मन में है। अरे भाई, भगवान मन में आए उससे पहले मन साफ तो हो। किसी का मकान किराए पे लो और वो कई सालों से बंद पड़ा हो, जाके रह जाओगे क्या? क्या करोगे? जोर से बोलिए। और सफाई में टाइम लगता है, एक ही दिन में नहीं होगा सालों का बंद। जब आप मंदिरों में जाते हो तो क्या होता है? आपका मन साफ करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है।
जब आप कथाओं में जाते हो, लगाते हैं ना, एक पहले झाड़ू लगाओ और फिर बाद में क्या करते हैं, पानी का और वो वस्त्र लेके करते हैं ना कुछ पोछा, हाँ, फिर उसे पोछा लगाओ, जल से साफ करो। तो सुनो, फिर पोछा से ही काम नहीं चलता है, इतने सालों का पुराना ये घर है तो क्या वो जाले भी लग जाते ऊपर, हाँ या ना? और जब जाले साफ करो, फिर झाड़ू लगाओ, फिर पोछा लगाओ, उसके बाद फिर थोड़ा बिस्तर स्तर लगाओ, तब जाके वो तुम्हारे लिए रहने के लायक होता है। कई दिन लगते हैं। ठीक वैसे ही जब मंदिर जाते हो, इसका मतलब है तुम झाड़ू लगा रहे हो, जब कथा सुन रहे होते हो तब इसमें पोछा लगा रहे हो, और जब गुरु मंत्र ले लेते हो इसका मतलब है अब घर के जाले समाप्त कर रहे हो, और जब माला जपने लग जाते हो इसका मतलब है कि अब ये हृदय तुम्हारा परमात्मा के रहने के लायक बन गया है। ये होना चाहिए, साफ होना चाहिए। एक और बात बता दें, अगर हमारा आस पड़ोस स्वच्छ रहेगा, शहर स्वच्छ रहेगा, तो बीमारियां भी कम लगेंगी, और हाँ, उससे भी हमारा पैसा बचेगा, जो हम डॉक्टरों को देते हैं वो पैसा हमारा बच जाएगा, और डॉक्टरों को तो बुरी लगेगी ये बात, तो बीमार नहीं होगा तो हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे, और हॉस्पिटल क्या है साहब, आजकल तो बंगले बना रखे हैं, डेंगू हो जाए तो 16 लाख रुपए वसूल लेते हैं और उसके बाद भी बच्ची बचती नहीं है, नकल करेंगे अमेरिका की, नकल करेंगे इंग्लैंड की, स्वास्थ्य बचान रक्षा नहीं कर सकते, स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर सकते। मैं आप सबसे कहूंगा अपने आस पड़ोस में स्वच्छता बनाए रखिए, और अगर आप स्वच्छ रहोगे, स्वच्छता रखोगे।